बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर टू, जनरल साइंस, सिक्स ओ क्लास। दिस चैप्टर इज अबाउट सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस्ड व्हाट आर सेंसेस, अबाउट स्टिमुलाई, अबाउट रेस्पॉन्सेज, डिटेल्स वर डिस्कस्ड। एंड टुडे we are to discuss about tongue, as tongue is also a sensory organ, just like skin. We discussed different types of receptors which are there found on skin. Inside the skin they are there. To bete tongue ke upar bhi taste buds hote hain, jo ki abhi hum dekhenge ki baaki sense organs ki tarah tongue ke upar bhi रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ये बच्चे म्यूट हो जाएं जो अभी म्यूट नहीं है। सब बच्चे म्यूट हो जाएंगे। यान अकबर, मोहम्मद मिन शाहिद, सब म्यूट रहे हैं। कोई बच्चा अनम्यूट ना हो इस वक्त। ओके बेटे, जब क्वेश्चन पूछना होता है ना, तब आप अनम्यूट क्या करें खुद को। आज बेटे हमने टंग के बारे में पढ़ना है। पता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसको आपने टेस्ट करना हो, इट मस्ट फर्स्ट डिसॉल्व इन द मॉइस्चर इन द माउथ। आपके मुंह में जो मॉइस्चर यानी जो नमी होती है, तो वो सब्सटेंस उस मॉइस्चर के अंदर पहले डिसॉल्व होता है, और जो केमिकल सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं, दे आर देन डिटेक्टेड बाय सेंसरी सेल्स व्हिच आर ग्रुप्ड इन टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग। टंग के ऊपर, जुबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स जो हैं, ये एक्चुअली ग्रुप्स हैं सेंसरी सेल्स के, जिन्होंने केमिकल्स को डिटेक्ट करना होता है और आपको टेस्ट का पता चलता है। तो बेटे याद रखें, चार किस्म के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि फोर टेस्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं। चार किस्म के जो टेस्ट हैं, उनके लिए चार किस्म के ही टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आपको टेस्ट बताए जा रहे हैं, स्वीट, सावर, साल्ट, बिटर। स्वीट, सावर, साल्ट एंड बिटर, यानी जायका जो है वो मीठा होगा। स्वीट मीठा, सावर तुर्श होगा, साल्ट नमकीन होगा। सावर तुर्श क्या होता है? खट्टा जायका जो है। अच्छा, साल्ट नमकीन होगा, बिटर कड़वा। तो ये चार किस्म के जायके हैं, जिनके लिए चार किस्म के ही टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और जुबान पर इनकी डिफरेंट पोजीशंस हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इनके पोजीशंस भी। मोस्ट फ्लेवर्स का बताया कि दे आर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज फोर बेसिक टेस्ट्स। कई फ्लेवर जो हैं, उनके अंदर इन ये जो चार किस्म के टेस्ट हैं, इनकी कॉम्बिनेशन होती है। इनमें से दो हो गए किसी में तीन हो गए। डिपेंड करता है इनग्रीडियंट्स के ऊपर कि जो चीज आपने बनाई है वो जिस भी फ्लेवर की है, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आपने कौन कौन से डाले। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लेमनेड है। लेमनेड आप समझते हैं ना, लेमन से जो ड्रिंक बनाया जाता है, लेमन का बनाया हुआ ड्रिंक जिसे स्कंदियन कहते हैं, तो इसमें क्या लेमन होता है और शुगर सॉल्यूशन होता है। शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं, उसमें लीमू का रस डालते हैं, तो लेमनेड बनता है। तो इसके अंदर बेटे देखें, शुगर है और लेमन जूस है। अब शुगर का टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, जबकि लेमन जो है वो सावर टेस्ट रखता है। तो सावर और स्वीट, ये दो किस्म के टेस्ट जो हैं, उनकी कॉम्बिनेशन लेमनेड के अंदर है। मीन्स के जो लेमनेड का फ्लेवर है, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, सावर और स्वीट। तो जो स्वीट टेस्ट है, वो स्वीट
टेस्ट को जो डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे, और जो सावर टेस्ट है ये अदर टेस्ट बर्ड्स के जरिए डिटेक्ट होगा। इसमें जो टिप आप देख रहे हैं, टिप ये स्वीट के लिए होती है, ठीक है, टिप वाला रीजन जुबान, ये पूरी जुबान आपके सामने है, इसका ये जो टिप वाला रीजन है ये स्वीट टेस्ट के लिए होता है। ज्यादा क्लियरेंस के लिए मैं आपके सामने एक दूसरी स्लाइड शो करता हूं। ये बेटे आप देख सकते हैं पोजीशंस के लिहाज से, ये देखें स्वीट टेस्ट टिप पे शो किया, उसके पीछे देखें तो दोनों साइड पे सॉल्टी टेस्ट है, ठीक है, दोनों साइड्स पर सॉल्टी टेस्ट है, और उस सॉल्टी टेस्ट, ये सॉल्टी टेस्ट के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। बट ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टेस्ट बर्ड्स की पोजीशन दी हुई है, स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स यहाँ टिप पे होते हैं, जुबान के सिरे पे होते हैं, उसके पीछे जुबान की दोनों तरफ सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स हैं, जबकि उनके पीछे हम देखें तो सावर टेस्ट डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स हैं, और जुबान के एंड पे ये रीजन पूरा जो आप देख रहे हैं इसमें बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स होते हैं। बेटे आपको इसे डायग्राम से क्लियर हो रही है पोजीशन टेस्ट बर्ड्स की? यस सर। ओके यस सर। चलिए मैं अभी पूछता हूँ। अभी मैंने पूछना है आप लोगों से, अभी लेबलिंग आप देख सकते हैं, ठीक है, स्वीट टेस्ट है, फिर सॉल्टी है, फिर सावर है, फिर बिटर है, ये पोजीशंस आप देख लें। अब मैं आपसे पूछूंगा, हाँ जी, सबसे पहले मैं आप में से मोहम्मद बिन शाहिद से पूछता हूँ। बेटे आपने म्यूट नहीं किया हुआ खुद को, अभी आप क्वेश्चन बताएंगे। मोहम्मद बिन शाहिद बेटे आप बताएंगे कि स्वीट टेस्ट के टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे होते हैं? मोहम्मद बिन शाहिद, मोहम्मद बिन शाहिद बेटे आपसे पूछा जा रहा है कि स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं? सर स्वीट साथ बेटे से पोजीशन मुझे बताएं, स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स की पोजीशन क्या है? अगर आप पोजीशन नहीं बता सकते इट मींस कि आप तवज्जो से नहीं सुन रहे थे बात। सर मैं तवज्जो से सुन रहा था। तो बताओ फिर टेस्ट, ये स्वीट टेस्ट जो है इसके डिटेक्ट करने वाले कहाँ होते हैं टेस्ट बर्ड्स? सर स्वीट नीचे होते हैं। नीचे क्या मतलब? ये जुबान है सर, ये इसके नीचे इधर पीछे होते हैं या इधर सामने होते हैं? नहीं इधर होते हैं, इधर होते हैं टिप पे। ठीक है, शाबाश। टिप पे इसको कहे ना, जुबान की टिप जो है, सिरा जो है जुबान की टिप पे होते हैं स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स। भाविक, यू आर टू टेल मी इस स्वीट टेस्ट के पीछे कौन से टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स होते हैं? सर सॉल्टी। सॉल्टी, वेल डन। सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो यहाँ पे होते हैं, यानी इधर टिप पे स्वीट है तो उसके पीछे सॉल्टी है। अब सॉल्टी के पीछे अयान सगीर बताएगा। सर आप एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? वो इंटरनेट का इशू हो गया। अच्छा ठीक ठीक है बेटे, मैं कर देता हूँ। साद सफदर, आप बेटे बताएंगे सॉल्टी के पीछे कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं? सर सोर। सावर, इसका तल्फुज क्या है? सावर, एस ओ यू आर, जैसा ओ यू आर होता है ना आवर, एस ओ यू आर को आपने सावर बोलना है। तो सावर टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो सॉल्टी के पीछे होते हैं। अच्छा आप, मैं पूछूंगा, कौन बोल रहे हैं? वे सामने नहीं आ रहे मेरे। कुज़ैमा इमरान। कुज़ैमा इमरान बेटे आप बताएं बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं?
सर वो जुबान के सबसे पीछे वाले हिस्से में हाँ थे। एंड पे जुबान के जो है पीछे, सबसे पीछे जो है यहाँ पे, ये रीजन जहाँ पे आप स्पॉटलाइट देख रहे हैं, इस रीजन पे ठीक है, इधर होते हैं। इसको मैं कलर चेंज कर लूँ तो बेटर रहेगा। हाँ जी ठीक है। बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे होते हैं? एंड पे, जुबान जुबान के बिल्कुल पीछे, सिरे पे जो है, जहाँ पे जुबान पीछे स्टार्ट, यानी जुबान के जहाँ पे स्टार्ट होता है ना जुबान पे, ये वाला हिस्सा जो है वहां पे। ओके, ये बेटे मैंने आपको टेस्ट बर्ड्स की लोकेशन बताई है। आपकी बुक में चार किस्म के टेस्ट जो हैं उनका बताया हुआ है, और टेस्ट बर्ड्स का मेंशन तो किया हुआ है कि चार किस्म के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लेकिन पोजीशन जो है वो इंडिकेट नहीं की हुई थी, ये मैंने आपको इंडिकेट कर दी। फिर बता रहा हूँ तो सब बच्चे तवज्जो से सुन लें। यहाँ टिप पे जो है वो स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टिप पर। उसके पीछे दोनों तरफ सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स हैं, और उसके पीछे सावर टेस्ट के डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स हैं, जबकि बिटर टेस्ट जो है उसको डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड्स इधर होते हैं एंड पे पीछे। तो टेस्ट बर्ड्स को यहाँ पे देखें, बड़ा करके दिखाया गया है। टेस्ट बर्ड्स जो हैं ये इस तरह के उबार से होते हैं, जुबान के ऊपर कस्प से होते हैं, जिसको मैग्निफाई करके शो किया गया है कि टेस्ट बर्ड इस तरह के होते हैं। बताया कि देर आर टेस्ट बर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फोर बेसिक टेस्ट एंड दे आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। ये यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ था कि चार किस्म के टेस्ट बर्ड्स होते हैं और डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं, वो मैंने आपको शो कर दिए। हाँ जी बेटे, सबको क्लियर है कि टेस्ट बर्ड्स चार किस्म के कहाँ कहाँ होते हैं? ओके, वी मूव नेक्स्ट। यस सर, मैं दिखा दे इसकी टंग, टांग दोबारा दिखा दूं, ये ले। सर जो वो इमेज थी इसकी, यस ये वाली। देख लें, देख, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज तो आपके पास जो है ये रिकॉर्डिंग में भी आ रही है, जो वीडियो अपलोड होगी उसमें भी आ जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिन बच्चों का पहले नेट का इशू था वो नहीं देख सके, तो अभी आप ग्रुप में वरना सेंड कर देना। बेटे ग्रुप में ही लेक्चर, ग्रुप में नहीं आता मैं हर लेक्चर लेक्चर। आते मैंने कहा पिक्चर भी कर देना। अच्छा चलें ठीक है, बेटे पिक्चर भी कर देंगे। अच्छा बेटे नेक्स्ट हम नोज के बारे में देखते हैं, ठीक है। टंग के बारे में इतना कुछ ही था जो आपको बता दिया। नोज जो कि ऑर्गन ऑफ स्मेल है, जिससे स्मेल का आपको पता चलता है, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं आप। तो बताया कि सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड। टेस्ट और स्मेल की जो सेंसेस हैं ये आपस में लिंक्ड होती हैं। मसलन इफ यू हैव अ हैवी कोल्ड, ठीक है, आपको काफी ज्यादा नजला होता है जब, आर यू पिंच योर नोज, या फिर आप क्या करते हैं, आप नाक बंद कर लेते हैं, कैसे, यहां से नाक को दबा देते हैं ऊपर से थंब और फिंगर के साथ, ठीक है, नाक को दबा देते हैं। आपको जब स्मेल आ रही होती है तो आप क्या करते हैं, नाक बंद कर लेते हैं ना हाथ के साथ, हाथ का आप जो है वो थंब यूज करते हैं, अंगूठा, और साथ वाली उंगली यूज करते हैं और नाक को दबा लेते हैं कि बड़ी बुरी स्मेल आ रही है, ऐसे ही होता है ना बेटे। इसको कहते हैं पिंच करना, ठीक है, पिंच योर नोज जो कहा, तो इसका मतलब है आप नाक बंद करें, या फिर नजले की वजह से नाक बंद हो तो फिर क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू टेल वेदर यू आर ईटिंग एन ऑनियन और एन एप्पल। किसी भी चीज का जो टेस्ट है वो आप बता नहीं सकते, आपको टेस्ट डिटेक्ट नहीं हो पाता, हालांकि आपकी जो स्मेल की सेंस है, स्मेल की सेंस जो है वो अफेक्ट हो रही है नाक बंद होने की सूरत में, लेकिन आपकी जो टेस्ट की स्मेल थी वो भी काम नहीं कर रही। इससे पता चला कि टेस्ट और स्मेल की जो सेंसेज हैं आपस में लिंक्ड होती हैं। नोज हेल्प्स टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ फ्लेवर्स। नोज क्या करता है, जो डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं उनकी सेंसेशन
यानी उनका एहसास आपको नोज के जरिए होता है। अब उसकी वजह क्या होती है कि कैसे करता है नोज, सम ऑफ द केमिकल्स विच आर देयर इन द फूड दे पास बैक पास अप द बैक ऑफ द माउथ इनटू द नोज। ये बेटे देखें ये नोज की पैसेज आपको शो की हुई है, हवा इधर से नोज के जरिए देखें जो एंटर होती है, ये इधर से होकर नीचे जा रही है जो लंग्स में जानी है, यहाँ से फेरिंग से आगे लेरिंग से ट्रैकिया और आगे जो है वो ब्रोंकाई और लंग्स में जाएगी एयर पैसेजेस में। तो ये हवा इधर से आ रही है, लेकिन आप जो खाना खा रहे होते हैं मुंह के अंदर जो खाना चबा रहे होते हैं उसके अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं, तो कुछ बेटे केमिकल्स ऐसे हैं खुराक के जो के इधर से माउथ केविटी में से ये जो ओपनिंग है नोज की इधर इस नोज की ओपनिंग के जरिए ऊपर को उठते हैं केमिकल्स, नोज के अंदर ऊपर को आते हैं नेजल केविटी में। आपको बताया ना दिस इज बिकॉज सम ऑफ द केमिकल्स इन द फूड पास अप द बैक ऑफ द माउथ इनटू द नोज, के माउथ के पिछले सिरे से नोज में आते हैं ऊपर, और जो सेल्स होते हैं नेजल केविटी के अंदर जो कि स्मेल के लिए सेंसिटिव होते हैं वो उनको डिटेक्ट करते हैं। द सेल्स आर दैट आर सेंसिटिव टू स्मेल, बताया कि दे आर इनसाइड द नेजल केविटी, जो स्मेल के लिए सेंसिटिव सेल्स हैं वो नेजल केविटी में मौजूद हैं। अब वो केमिकल्स हवा के जरिए नोज में से एंटर होकर आ रहे थे, या वो केमिकल्स खुराक के अंदर थे और माउथ की बैक साइड से ऊपर नेजल केविटी में आए हैं, तो वो डिटेक्ट हो जाएंगे। तो इन सेंसिटिव सेल्स का बताया कि दे आर ग्रुप टुगेदर इन अ स्पेस अबाउट द साइज ऑफ अ पोस्टेज स्टैम्प, ये तकरीबन क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द टॉप ऑफ द नेजल केविटी। ये पोजीशन देखें, ये वाली पोजीशन, यहाँ पे जो है ये सेंसरी सेल्स मौजूद हैं और इन्हीं सेंसरी सेल से ये नर्व इंपल्स निकलती है जो ब्रेन को जाती है। ये बेटे जो एरोस के साथ आप देख रहे हैं, ये एरोस से शो किया गया है कि स्मेल प्रोड्यूसिंग और स्मेल कॉजिंग केमिकल्स यहाँ पे टच करेंगे इन सेल्स को जो कि सेंसिटिव हैं स्मेल के लिए, जब इनको वो टच करेंगे दे विल बी डिटेक्टेड एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल, और स्मेल की ये सेंसेशन नर्व पल्स जो होगी वो ब्रेन की तरफ ले जाएगी। दोबारा बेटा देख लें कि स्मेल प्रोड्यूसिंग और स्मेल कॉजिंग केमिकल्स या तो हवा के जरिए नोज में से एंटर होंगे और डायरेक्टली टच करेंगे इन सेल्स को जो सेंसरी सेल्स हैं स्मेल के लिए, या फिर खुराक के अंदर थे तो खुराक आपने जब चबाई है मुंह के अंदर तो वो केमिकल्स माउथ की बैक साइड से एंड से यहां से ऊपर को उठेंगे नेजल केविटी में और अगेन वो स्मेल सेंसिटिव सेल्स को टच करेंगे एंड दे विल बी डिटेक्टेड एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्मेल, व्हाट एवर द स्मेल मे बी देयर, तो वो डिटेक्ट होंगे। तो इन सेल्स का बेटा आपको बताया गया कि पोस्टेज स्टैंप जो होती है ना, ये जो अमोना डॉग की जो स्टैंप होती है, ठीक है, जो कि आप देखते हैं कि कोई लेटर आपने अगर पोस्ट करना हो तो उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप लेकर लगाते हैं, तकरीबन यानी अंदाजा आपको बताया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इतना तकरीबन इसका एरिया होता है। एट द टॉप ऑफ नेजल केविटी ये मौजूद है इमीडिएटली बीनीथ द ब्रेन, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेन का रीजन है तो ब्रेन के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इसलिए आपको देखें वैसे तो नर्व इंपल्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 100 से लेकर 120 मीटर पर सेकंड नर्व इंपल्स की स्पीड होती है, और यहाँ तो नर्व इंपल्स को कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं करना पड़ता, आपको फौरन ही अंदाजा हो जाता है कौन सी स्मेल है। व्हेन केमिकल्स रीच दीज सेंसरी सेल्स दे फर्स्ट हैव टू डिसॉल्व इन द फिल्म ऑफ मॉइस्चर व्हिच कवर्स द सेल्स बिफोर वी कैन डिटेक्ट देम। अब तरीका बताया गया कि हमें स्मेल का कैसे पता चलता है कि स्मेल कॉजिंग केमिकल्स इस मॉइस्चर में पहले डिसॉल्व हो जाते हैं, ये जो सेंसरी सेल्स हैं इनकी सरफेस पे पानी की लेयर होती है, मॉइस्चर नमी होती है,
तो ये केमिकल्स उस नमी में पहले डिसॉल्व होते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद वो जो केमिकल्स हैं उसके बाद कहाँ जाएंगे, सेंसरी सेल्स उनको डिटेक्ट करेंगे। सेंसरी सेल्स जो हैं, सेंसरी सेल तक वो पहुंच जाएंगे, यानी इनके अंदर चले जाएंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे, और सेंसरी सेल्स उनको डिटेक्ट करेंगे। अब्दुल रऊफ बेटे, जब और की कोई हो रही हो क्लास तो म्यूट रखा करें। तो देर ये आपको बताया गया कि जो केमिकल्स थे सेंसिटिव टू केमिकल्स कॉजिंग स्मेल, दे डिसॉल्व इन द मॉइस्चर व्हिच इज देयर ऑन द सरफेस ऑफ दीज स्मेल डिटेक्टिंग सेल्स, एंड दे एंटर द सेल्स एंड दे आर डिटेक्टेड। जो भी उनकी स्मेल होती है तो ये सेल्स उनको डिटेक्ट करते हैं, फिर इस नर्व इम्पल्स के नर्व जो है वो ब्रेन को जाती है, जो नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होगी वो ब्रेन को जाएगी और हमें अंदाजा हो जाता है कि स्मेल कौन सी है। नेक्स्ट बताया कि सर्टेन टेस्ट एंड स्मेल्स आर वेरी अनप्लेजेंट, कुछ ऐसे टेस्ट या स्मेल होती हैं जो नाखुशगवार होते हैं, बहुत बुरे टेस्ट या बुरी स्मेल होती है, बैड स्मेल होती है, अनप्लीजेंट जो कि अच्छी नहीं लगती। तो दे आर यूजली प्रोड्यूस बाई सब्सटेंसेस दैट आर पॉइजनस आर डिकेइंग। तो ये जो टेस्ट या ये स्मेल्स हैं ये ऐसी चीजों से प्रोड्यूस होती हैं जो या तो पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती हैं, या फिर डिकेइंग यानी गल सड़ रही होती हैं। कोई चीज जब गल सड़ रही होती है तो वहां से बहुत ही डिसएग्रीएबल जो स्मेल है वो प्रोड्यूस होती है, एंड विच कुड बी हार्मफुल टू द बॉडी, क्योंकि उसमें जरासीम होते हैं ये जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं ये टेस्ट या ये जो स्मेल है। ये आपको बड़े इंपॉर्टेंस का बताया गया है, टेस्ट वर्ड्स जो हैं, ये स्मेल डिटेक्टिंग जो सेल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस का बताया जा रहा है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये कुछ ऐसी स्मेल है जो कि या टेस्ट है जो नुकसानदेह है आपके लिए। देयरफॉर योर सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हार्म इन द एग्जैक्टली द सेम वे एज पेन रिसेप्टर्स प्रोटेक्ट यू। बेटे जैसा से पेन रिसेप्टर्स होते हैं ना, आपको पेन का अंदाजा बताते हैं, पेन का एहसास दिलाते हैं, तो आपको पता चलता है कोई कील लगा है या कोई चीज किसी चीज ने काटा है, तो जिस तरह से पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो टेस्ट और स्मेल के रिसेप्टर्स भी इसी कदर ही इम्पोर्टेंट हैं। हाँ बेटे, किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर आपने अटेंडेंस ले ली है? नहीं, अटेंडेंस मैंने अभी नहीं ली, मैं अभी लेने ही लगा हूँ, बल्कि पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। आपके मैं अटेंडेंस लेने लगा हूँ, आप मीनवाइल कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर वो नाम चेंज करने दे। बेटे एक मिनट, में किसने नाम चेंज करना है? वो मैं आगे सिक्सोन लिखा हुआ। ओके बेटे चेंज कर लें, जल्दी कर लें, जल्दी से चेंज कर लें, मैं भी अटेंडेंस लेने लगूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है आप रियल नेम से एंटर हुआ करें। आज बेटे 3 May 2021 है, 6 क्लास अटेंडेंस, ये बेटे वीडियो की सूरत में जो है बेटे 3 May 2021 600 क्लास अटेंडेंस, 39 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, यू आर 40 दिस टाइम,
रिकॉर्डिंग की सूरत में ये अटेंडेंस जो है ग्रुप में भी चली जाएगी, सब बच्चे देख सकते हैं। ओके सर। ओके इट्स टेकन। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन नहीं पूछा किसी बच्चे ने, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हम आई के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। आवर आईज बताया कि जो सर आप काम करवाएंगे ये ग्रुप में सेंड कर दिएगा भी, जो से आपने वो पिक्चर दिखाई थी। बेटे ग्रुप में लेक्चर पूरा आ जाएगा। आई आईज का बताया कि आईज डिटेक्ट लाइट, आंखों के जरिए आपको लाइट डिटेक्ट होती है, लाइट आप डिटेक्ट कर सकते हैं आईज के जरिए। और जो टू आईज हैं दे आर पोजीशन्ड सो दैट ईच वन गिव्स अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू ऑफ योर सराउंडिंग्स। ठीक है, हर एक का जो एरिया होता है, एरिया व्यू एरिया वो डिफरेंट होता है दूसरे से। इसमें कुछ रीजन ऐसे दरमियान में आता है जो कॉमन होता है, और बाकी कुछ एरियाज राइट और लेफ्ट साइड से आते हैं जो हर आई का दूसरी से डिफरेंट होता है। आप इन एरियाज को देखना चाहें, आप आंख को बंद करके देखेंगे, एक आंख को बंद करें और देखें कि आपको कितना हिस्सा सामने नजर आ रहा है। उसके बाद आप उस आंख को खोलेंगे और दूसरी आंख को बंद करके देखें कि अब आपको कितना एरिया नजर आ रहा है। इन दोनों एरियाज के अंदर कुछ रीजन ऐसा भी होगा जो कॉमन होगा, जो दोनों आईज के जरिए नजर आ रहा होगा। ठीक है बेटे, कुछ एरिया आपको ऐसे होगा जो दोनों आईज के अंदर कॉमन नजर आएगा, दोनों आईज के एरियाज में कॉमन होगा। सर, यस सर, सर फ्रंट वाला हिस्सा। हाँ जी बिल्कुल, फ्रंट वाला हिस्सा बिल्कुल जो सामने आता है दरमियान में, वो दोनों आईज के अंदर कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओवरलैप्ड एरिया। ये ओवरलैप्ड एरिया यानी दोनों एरियाज यहाँ पे क्या है, कॉमन हुए हुए, मिले हुए। तो बेटे इस वीएन को कहते हैं बाइनाकुलर वीएन, बाइनाकुलर वीएन। ठीक है, आपके मेंशन है ना बाइनाकुलर वीएन, तो बाइनाकुलर वीएन आप याद रखें कि इसे कहते हैं कि जिसमें के दोनों आईज के जो एरियाज ऑफ वीएन है वो कि आपके सराउंडिंग में होते हैं, वो एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ रीजन कॉमन भी होता है, कुछ रीजन ओवरलैप्ड होता है, कॉमन होता है। तो ऐसे वीएन को क्या कहेंगे, बाइनाकुलर वीएन। ईच आई बताया कि प्रोड्यूसेस एन इमेज और पिक्चर ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग एट। ठीक है, जो भी आप पिक्चर देख रहे हैं या जो भी इमेज देख रहे हैं तो उसका एक इमेज प्रोड्यूस होता है। हर आंख जो है क्या करती है, एक इमेज प्रोड्यूस करती है, और ये जो इमेज होता है हर आंख का जो है, इट इज देन सेंट अलॉन्ग अ नर्व टू द ब्रेन। ठीक है, जो इमेज दोनों आईज ने जो इमेज प्रोड्यूस किए होते हैं, दोनों इमेजेस आगे ब्रेन को सेंड कर दिए जाते हैं, फिर ब्रेन कंपेयर करता है इमेजेस फ्रॉम ईच आई एंड मेक्स अ थ्री डायमेंशनल पिक्चर ऑफ देम। ठीक है, दोनों इमेजेस को मिलाकर थ्री डायमेंशनल पिक्चर जो है वो इसने बनानी होती है ब्रेन ने। वी नीड टू आईज, ये इधर आपको बताया गया पहले कि योर ब्रेन कैन आल्सो वर्क आउट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम यू, कि आपसे जो है वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है या उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, तो ब्रेन ने ये सारा वर्कआउट करना होता है और उस इंफॉर्मेशन से करना होता है जो दोनों आईज से इमेजेस मिले होते हैं।
We need two eyes because with only one eye, it is difficult to judge distance and depth. आपसे अगर पूछा जाए कि हमें दो आंखें क्यों जरूरी होती हैं हमारे लिए, इसलिए कि एक आंख के जरिए डिस्टेंस को और डेप्थ को, यानी गहराई को या हाइट को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो ये बेटे आई के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पहले दिया गया है कि आई का काम है लाइट को डिटेक्ट करना, और आई का बाइनाकुलर वियन होता है जिसमें कि हर आंख का एक सेपरेट एरिया वियन होता है और कुछ दोनों में कॉमन भी रीजन आता है। दोनों के जो इमेजेस प्रोड्यूस्ड होते हैं ये ब्रेन को सेंड कर दिए जाते हैं, ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन को सेंड कर दिए जाते हैं, और ब्रेन आगे डिटेक्ट करेगा साइज ऑफ द इमेज, उसका डिस्टेंस जो है आपसे वो कितना है। तो थ्री डायमेंशनल पिक्चर जो है वो ब्रेन ने डेवलप करनी होती है। तो आगे ये भी बताया गया कि दो आंखों का होना जरूरी है क्योंकि एक आंख से डिस्टेंस और डेप्थ को हम जज नहीं कर सकते। प्रोटेक्टिंग द आई, कि आई को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? यस सर, अभी कुछ बच्चे सर वो लेफ्ट कर गए हैं। ठीक है बेटे, नोट कर लेता हूँ मैं उनको। ये लास्ट थिंग है, हाँ जी बेटे, टाइम ओवर हो रहा है इसी वजह से शायद। चलें ठीक है, यही था कि हमारा आज का लेक्चर होगा। नेक्स्ट जो है आईज की प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग चीजें, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आई की वर्किंग की थोड़ी सी बात, तो पोजीशन की बात है, और आई की स्ट्रक्चर, वर्किंग, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग इज गोइंग टू बी फिनिश्ड नाउ। नो सर। अच्छा बेटा, नो सर। ठीक है बेटा, याद कर लेनी चीजें जो कुछ आज पढ़ी गई हैं, कल मैं आपसे पूछूंगा ये। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।